Progesterone will not be secreted. Endometrium will disintegrate. Proliferation of endometrium will take place. Ovulation will take place. Question number one. What would happen if corpus luteum is not regenerated? क्या होगा अगर corpus luteum regenerate नहीं हुआ? मैम बी या फिर सी में से लग रहा है.
एक वर्क आ गया था मेरे पास, इस वजह से मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गई थी, पेपर चेकिंग का आ गया था। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होता, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, एक ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब ओवरीज के फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं थोड़े थोड़े, तब वो क्या होता है कि जो बड़ा सा मास बनता है 14th डे पे, जिसमें से ओव्यूलेशन हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है, ठीक है, एग रिलीज होने के बाद वहाँ पर एग रिलीज होने के बाद क्या होता है, ये जो मास बच जाता है कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, यानी कि मैच्योर फॉलिकल में से एग रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है 14th डे पे, और फिर जो मास बच जाता है दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, जो धीरे धीरे फिर डीजनरेट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में। तो दिस इज कॉर्पस एल्बिकन्स जो डीजनरेट हो रहा है, और ये जो बड़ा सा मास होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम में बोल रहा है कि अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन विल नॉट बी सिक्रीटेड, एंडोमेट्रियम विल डिसइंटीग्रेट, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम विल टेक प्लेस, ओव्यूलेशन विल टेक प्लेस, क्या कॉर्पस ल्यूटियम अगर डीजनरेट नहीं हुआ तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, प्रोजेस्टेरोन विल नॉट बी सिक्रीटेड, ए और डी तो नहीं होंगे, बी या सी में से हो सकता है, बी या सी में से हो सकता है। अगर प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं हो रहा तो एंडोमेट्रियम विल डिसइंटीग्रेट, यही होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट नहीं, ये नहीं होगा, सी होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम विल टेक प्लेस, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इसी यही रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है बेटा, ये प्रसिस्ट करता है, ये अगर रिमेनिंग रहता है तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, और प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल्स क्या करते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेन करते हैं, यानी कि मतलब प्रेगनेंसी हो गई है और एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करेगी, यानी कि इम्प्लांटेशन के लिए अपने आप को तैयार करेगी, क्लियर। तो सी मोस्ट करेक्ट एंड इट विल will be correct only. Now second question, Klinefelter syndrome has genetic makeup. Klinefelter syndrome का क्या genetic makeup है? मतलब उसका क्या condition है chromosome? Mem A option. Mem double XY. Double XY. Yes, correct. एक extra X chromosome होता है. Third, cleistogamous flowers are invariably autogamous because cleistogamous flowers invariably autogamous है, क्यों? मतलब ये ऑप्शन है, हाँ, क्योंकि वो ओपन ही नहीं होते, बिकॉज वो नेचुरली क्लोज फ्लावर है, तो इस वजह से वो autogamous ही रहते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन डज नॉट प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स, एम्ब्रियो आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन टू यूट्रस, oral pills are very popular contraceptive among the rural women, all STDs are not completely curable, कौन सा statement इसमें से correct है, यानी इसमें से तीन statement उसमें एक ही correct है, बताओ कौन सा correct है, मैम C वाला तो गलत है, हाँ लास्ट वाला सही लगा, हाँ लास्ट वाला, बिकॉज ऑल STDs आर नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल, जैसे HIV है, हर्पीज है, हेपेटाइटिस है, तो ये क्या है, इनक्योरेबल है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट विद अ जीन इज कॉल्ड, कोई ऐसा सीक्वेंस ये भी हालांकि आपको आया नहीं क्योंकि 6th चैप्टर में आगे आएगा, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जीन के जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, नॉन कोडिंग पार्ट्स होते हैं, उन्हें इनमें से क्या कहते हैं, एक्सॉन, ओपेरॉन, प्रोमोटर या इंट्रॉन, व्हाट आर दीस कॉल्ड, तो नॉन कोडिंग इंट्रॉन हो सकते हैं, समझ सकते हैं, इंटरप्टेड सीक्वेंस होते हैं इंट्रॉन्स, एक्सप्रेस सीक्वेंस होते हैं एक्सॉन्स, ओपेरॉन तो पूरा एक कलेक्टेड पार्ट है, ओपेरॉन जो ऑपरेट करता है, जिसके अंदर ऑपरेटर नाम का रीजन आता है वो ओपेरॉन होता है, ठीक है, दैट इज ओपेरॉन, प्रमोटर, मैम वैसे ये सब है किसके पार्ट है, ये जीन
के सीक्वेंसेस हैं। जीन मैंने कहा आपको डीएनए की एक सेगमेंट होती है जीन, तो जीन पे भी कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होते हैं। अगर नॉर्मल जीन हम देखें तो उसमें प्रमोटर रीजन होता है, ठीक है, सबसे पहले प्रमोटर रीजन ही आता है क्योंकि वो एक ऐसा रीजन होता है जहां पर आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करती है, क्योंकि उसको ये डीएनए है अगर डबल स्ट्रैंड का, तो उसको इस डीएनए को पहले तो बबल सा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा, फिर उसके एक पार्ट के सीक्वेंस पढ़कर, एक पार्ट के सीक्वेंस पढ़कर वो क्या बनाएगी, यहाँ से आरएनए की कॉपी बना के रिलीज करती है। यही तो ट्रांसक्रिप्शन है। तो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसको रीड करती है डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए बनाती है। तो इसमें जो यूकैरियोटिक जीन्स होती हैं उनमें कुछ सीक्वेंसेस बीच बीच में आते हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं, उन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं। और जो कोडिंग आते हैं यानी दो कोडिंग रीजन्स के बीच में इंटरप्टेड सीक्वेंसेस होते हैं, ये यूकैरियोटिक जीन का नेचर है। तो यानी एक्सॉन आई पहले ईएक्स एक्सॉन, फिर आ जाएगी एक्सॉन वन आ गई ई1, फिर इंट्रॉन वन आ गई बीच में, फिर एक्सॉन आ गई, ऐसे करके टूट टूट के होते हैं, फिर एक्सॉन टू आ गई, फिर लिखा नहीं जाता यहाँ, फिर इंट्रॉन आ गई, इस तरीके से इंटरप्टेड है तो उसे इंट्रॉन बोलते हैं जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, क्योंकि हमारा डीएनए कंटेंट बहुत ज्यादा है और हमको दोनों तरह के सीक्वेंसेस इसीलिए जीन में मिलते हैं, कुछ कोडिंग कुछ नॉन कोडिंग, ठीक है। तो सीबीएसई सैंपल पेपर्स के ऐसे एमसीक्यूज आप भी चेक कर सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एमसीक्यूज तो हैं बट ज्यादातर यहाँ पर एमसीक्यूज दूसरे उसके हैं, मतलब दे आर ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट चैप्टर्स। इफ आई कैन फाइंड द एमसीक्यू ऑफ रिलेटेड टू 12th बट इट इज नॉट हियर। Let us find on this. I have sent two documents, I guess. On group also, I share two documents of MCQs. One was chapter 1 and other was chapter 2. नहीं, chapter 2 के दो अलग अलग parts थे। जब मैं यहाँ देख रही हूँ तो शायद एक ही फाइल मैंने दो बार कर, दोबारा से मुझे ईमेल पे लेनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी कहीं पर अच्छी है कहीं पर बुरी है, इन द टर्म्स बहुत ज्यादा इसमें भी टाइम बहुत लगता है चीजें सर्च करने में। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं बेटा? इसमें दोनों वर्कशीट सेम थी क्या? कहीं सेम तो नहीं थी दोनों वर्कशीट की, डिफरेंट डिफरेंट थी? नो मैम, मैम अलग थी। अच्छा, मैं शेयर कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मिल गई है। Thank you.
मुझे भेज दिया. तो यहाँ पर ये है वर्कशीट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड एग सिनर्जिड एंटीपोडल सेकेंडरी न्यूक्लियस. ये तो हमने शायद सॉल्व कर ली थी ना. यस मैम. ये वाली देखते हैं. विच वन इज द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो एम्ब्रियो सैक एंडोस्पर्म. ये करने लग गए थे हम. तो इसमें फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या है? एम्ब्रियो एम्ब्रियो सैक एंडोस्पर्म या पिस्टल? इट इज एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट को बिकॉज वो एग बनाता है. जो एग बनाएगा उसको, जो गैमेट बनाएगा उसे गैमेट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर को गैमेटोफाइट कहते हैं. तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा? एम्ब्रियो सैक. सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन कैप्सिला? तो विच टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन कैप्सिला? एनाट्रोपस, जो जनरल है, जनरल मोस्ट अकरिंग. फंक्शन ऑफ मेगास्पोर इन कैप्सिला इज ऑल्सो. फंक्शनल मेगास्पोर कैप्सिला में क्या होता है? माइक्रोपाइलर चैलेजन ऑल एनी. तो माइक्रोपाइलर चैलेजन किस एंड पे रहेगा? फंक्शनल माइक्रो मेगास्पोर जो होता है माइक्रोपाइलर एंड पे रहेगा. ऑब्टुरेटर्स विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन आर आउटग्रोथ ऑफ. ऑब्टुरेटर किसके आउटग्रोथ होते हैं? जैसे हमने पढ़ा था ऑब्टुरेटर एरिल, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स पढ़े थे. तो ये किसके आउटग्रोथ होते हैं? दीज आर आउटग्रोथ ऑफ प्लासेंटा एंड फ्यूनिकल्स. मतलब ये फ्यूनिकल्स का प्लासेंटा का आउटग्रोथ रहता है. फिलीफॉर्म एपरेटस आर फाउंड इन. फिलीफॉर्म एपरेटस किधर, कौन से सेल्स में मिलते हैं? एंटीपोडल्स, एग सेल्स, सेकेंडरी या सिनर्जिड्स? फिलीफॉर्म एपरेटस बताओ. पेरिस्पर्मिस. पेरिस्पर्म क्या होता है? परसिस्टेंट न्यूसिलस होता है, ओव्यूल वॉल होती है, ओव्यूल कोट होता है. क्या होता है? फॉसिल ऑफ ऑस्टेरिया होता है. न्यूसिलस का रिमेनिंग होता है, परसिस्टेंट ऑफ न्यूसिलस. ओके मैम. देन पर हमारी बुक में एनसीईआरटी में एंडोस्पर्म का रिमेनिंग बोला है कि पेरिस्पर्म को न्यूसिलस का. मुझे कंफ्यूजन है, मैं सर्च करती हूँ. ठीक है, पेरिस्पर्म इज रिमेन्स ऑफ हैंग हो गया. रिमेन्स ऑफ विच स्ट्रक्चर? पेरिस्पर्म इज आउटर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक. न्यूसेलस ही है. न्यूसेलस डेवलप इनटू पेरिस्पर्म. कैन यू सी हियर इन द नेक्स्ट वन? पेरिस्पर्म इज, यस मैम. न्यूसेलस इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ओव्यूल. इन पेरिस्पर्म इज रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस. दिस इज न्यूसेलस बट the spelling is wrong here. It's written nucleus but it is nucellus. ठीक है. Now coming to this seventh, the plant of which GBMEC discovered pollen tube is. GBMEC ने किस plant की pollen tube discover करी थी? Capsula, Parthenium, Portulaca, Isium. ये भी GBMEC scientist होंगे कोई. किनकी करी थी? I don't know. G Givonia Bistagamici was an Italian astronomer, a good microscope. He accidentally founded stigma of Portulaca or Lycia covered with hairs and containing some granular particles. So Portulaca or Lycia, iski kari thi isne stigma. Portulaca. So answer kya hoga? Portulaca. Theek hai. देन मेगास्पोरोफिल इज कॉल्ड. मेगास्पोरोफिल को क्या बोलते हैं जनरल में? इन जनरल मेगास्पोरोफिल इज कॉल्ड, एट्थ क्वेश्चन, स्टेमन, कार्पल, ओवरी, स्टिग्मा. क्या कहते हैं मेगास्पोरोफिल को बताओ? ये तो जनरल क्वेश्चन है. मेगास्पोरोफिल जैसे कि
माइक्रोस्पोरोफिल कौन है? एंथर्स. इन जनरल एंथर क्या है? माइक्रोस्पोर एंजियम है, कार्पल है. तो मेगास्पोरोफिल किसको कहेंगे? कार्पल को, ओवी को, स्टिग्मा को, किसको? मेगास्पोरोफिल कहेंगे. कार्पल कंप्लीट हो जाएगा, ओवरी उसका बेसल पार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो कार्पल और ओवरी में से कौन सा होगा करेक्टली? मोर करेक्ट मैम कार, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ओवरी हो सकता है, बिकॉज एंथर को ही बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, फिलामेंट को उसमें इंक्लूड नहीं करते, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ओवरी होना चाहिए. पर देख लेते हैं, मेगास्पोरोफिल इज कॉल्ड मेगास्पोरोफिल इज इक्विवेलेंट टू कार्पल्स, कार्पल ही बोला है. ठीक है, ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम बट मेगास्पोरोफिल इज कार्पल. नाउ कमिंग टू हाउ मेनी पोलन सैक आर प्रेजेंट इन मैच्योर एंथर. कितने पोलन सैक होंगे मैच्योर एंथर में? 4, 1, 3, 2. पोलन सैक का नंबर कितना होगा? मैम 4. नेक्स्ट, एनाट्रोपस सुपिनेट ओव्यूल स्ट्रेट इन्वर्टेड ट्रांसवर्स कॉइल्ड. क्या होता है एनाट्रोपस ओव्यूल? बताओ. रिसुपिनेट, आई टोल्ड यू कि रिसुपाइन पोजीशन होती है इन्वर्टेड पोजीशन, तो आंसर क्या बनेगा? इन्वर्टेड. तो हमारी बुक में भी डायग्राम्स दिए हैं ओव्यूल के, वो एनाट्रोपस ही हैं, तो आंसर विल बी इन्वर्टेड. ठीक है, बी ऑप्शन, सी दैट सेकंड ऑप्शन, इन्वर्टेड. एनाट्रोपस ओव्यूल इज इन्वर्टेड. हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म. अगर कोई हॉरिजॉन्टल ओव्यूल्स हैं तो उनको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल इन द टर्म्स कि जैसे कि ये प्लासेंटा है तो दोनों तरफ यहाँ ओव्यूल इस तरीके से है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं दोनों तरफ. ये प्लासेंटा है ओवरी के और इनसे ओव्यूल लगे हुए हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ऐसे लगे हुए हैं दोनों तरफ. तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे जिसमें ओव्यूल इस तरीके से लगा रहे? फ्यूनिकल के इनलाइन हो गए, फ्यूनिकल के इनलाइन हो गए तो क्या हो गए? एम्पिट्रोपस, हेमिट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस क्या हो गए? मैम एम्फिट्रोपस. एम्फिट्रोपस या फिर हेमिट्रोपस में से कोई एक हो सकता है. ठीक है, चेक कर लेना इसको. ठीक है, हेमिट्रोपस तो 90 डिग्री वाला होता है, एम्फिट्रोपस होना चाहिए. 12th, द स्पेशल फीचर ऑफ एंडोथीसियम पैंथर ऑफ क्लेप्सिला. ये तो क्वेश्चन पहले वाले में भी था, रेडियली इलॉन्गेटेड सेल्स, थिकेंड, ये सारे होते हैं उसमें, ये सारे फीचर्स हैं ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, कैप्सिला के एंडोथीसियम में यानी एंथर वॉल में थिकनिंग ऑफ सेलोज भी है, वो हाइग्रोस्कोपिक भी होता है, वो रेडियली इलॉन्गेटेड भी होता है, चारों होता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक इज मोस्टली फाउंड इन एंजियोस्पर्म. बाइस्पोरिक, पॉलीगोनम टाइप, टेट्रास्पोरिक, मोनोस्पोरिक. कॉमनली एंजियोस्पर्म में क्या होता है? मोनोस्पोरिक, पॉलीगोनम टाइप. ये हमने पढ़ा था, एक मेगास्पोर से बनता है, एक फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है, मोनोस्पोरिक, पॉलीगोनम टाइप. 14th, एंड हिलम चेलाइजा माइक्रोपाइल लाई ऑन स्ट्रेट लाइन. जब सारी चीजें एक ही लाइन पे होती हैं तो एम्फीट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस या एनोट्रोपस क्या होते हैं? एम्फीट्रोपस सेम लाइन में होते हैं. तो इसमें ऑर्थोट्रोपस नहीं होना चाहिए, अपराइट और एम्फीट्रोपस के ऑर्थोट्रोपस या एनाट्रोपस इन लाइन है, मतलब जो फॉरवर्ड वाला था, मतलब जो अपराइट था उसी में तो इन लाइन में होते हैं. फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइल चेलाइजा सब एक ही लाइन में होंगे. व्हेन हिलम चेलाइजा माइक्रोपाइल लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, इसको सर्च कर लेते हैं हम, ये मुझे इसमें कंफ्यूजन लग रहा है.
when Hillum chalaiza micropyle lie in straight line, which kind of ovule is that? सर्च होने में टाइम लग रहा है. आई थिंक नेटवर्क की कुछ इश्यूज है. टिल देन orthotropous or anatropous. Hillum line, same line. Either it can be orthotropous or anatropous. This is the answer. Net slow chal raha hai. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, व्हेन माइक्रोपाइल चलाते हैं एंड हाइलम लाइन स्ट्रेट लाइन, तो ओविल को हम क्या कहते हैं. ओके, सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या है, एनाट्रोपस. ये हमारा है एनाट्रोपस ओविल. तो इस ओरिएंटेशन में ओविल का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम वो एक बार देखते हैं. ये हमारा हो गया, सॉरी इसको फिर से बना लेते हैं. ये हमारा हो गया क्या, नेटेगमेंट दोनों साइड से. ये हो गया हमारा आउटर एंटेगमेंट. ये ऐसे गया, अब यहाँ पे मान लीजिए कर देते हैं हमारा आउटर एंटेगमेंट यहाँ तक. यहाँ से वापस आके क्या हो गया, पिनकल. ठीक है, अब इसको हम लेबल करते हैं. तो ये जो होता है हमारा उसको क्या कहते हैं, शुरिकल. ये जो होते हैं वो ये ओव्यूल को अटैच करना है किससे, प्लेसेंटा से. ठीक है, और ये जो होता है, ये जो ऊपर है जहाँ पे सेगमेंट नजर नहीं है, ये है माइक्रोपाइल. यहाँ से हमारे ओव्यूल के अंदर क्या एंटर करती है, पोलर ट्यूब. दूसरी आप जब किसके बारे में बताते सलाजा, सलाजा हमारा ये वाला पार्ट होता है, बेसमेंट पार्ट जो होता है किसका, सॉरी ओव्यूल का. हाइलम, हाइलम हमारा ये वाला पार्ट होता है. यहाँ पे हमारा बॉडी ओव्यूल यूज करता है किसके साथ, फेलिकल के साथ. उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम. क्वेश्चन में क्या बोला था, माइक्रोपाइल सलाजा हाइलम लाइन स्ट्रेट लाइन ओव्यूल इज सेड टू बी. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा माइक्रोपाइल कहीं और जा रहा है, सलाजा कहीं और जा रहा है, अपना हाइलम कहीं और ही है. तो ये ऑप्शन तो हमारा एकदम इनकरेक्ट हो गया. अब हम अपने बी पार्ट पे चलते हैं, बी ऑप्शन पे चलते हैं. बी में हमने क्या बोला है, ऑर्थोट्रोपस. अब ऑर्थोट्रोपस का हम एक बार डायग्राम बनाते हैं. ऑर्थोट्रोपस कुछ इस तरीके का होता है. ये हो गया हमारा दोनों साइड से इनहेरेंट एग्रीमेंट. ओके, ये हमारा आउटर एंटैगमेंट एकदम ऐसे, ये यहाँ से आया एकदम ऐसे. ठीक है, ये सब कुछ एकदम स्ट्रेट लाइन पे. ये एम्ब्रोसेक हमारे यहाँ पे कितने भी एम्ब्रोसेक है, एम्ब्रोसेक की वजह से बात होनी थी इसलिए मैंने नहीं बनाया. ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ये हो गया माइक्रोपाइल. ठीक है, ये बेस पार्ट जो होता है सलाजा हो गया, और ये जो फ्यूजन जो होता है बॉडी का, ये ओव्यूल का बॉडी का, ये फ्यूजिकल हो गया हमारा. ये ओव्यूल की बॉडी का जो फ्यूजन होता है फ्यूनिकल के साथ, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हाइलम. अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सारा माइक्रोपाइल सलाजा और फ्यूनिकल, सॉरी हाइलम, तीनों स्ट्रेट लाइन में. यानी कि हमारा करंट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम्फी ओ सॉरी ऑर्थोट्रोपस. ओके, अब थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, देख लेते हैं हम एम्फीट्रोपस में और एम्फिलोट्रोपस में हमारा शेप जो होता है वो कैसा होता है.
हमारा सी क्या है, एम्फीट्रोपस। इस केस में क्या होता है एम्फीट्रोपस में, हमारा जो ओविल का जो बॉडी होता है ठीक है, और जो हमारा एम्ब्रोसाइट होता है ना, वो दोनों कर्व्ड होता है, मतलब कि कैसा कुछ इस टाइप का, देखते हैं ये हमारा ओव्यूल का बॉडी हो गया, ये कुछ इस टाइप का कर्व, ठीक है, ये हमारा इनर इंटेगमेंट यहाँ से आ रहा है यहाँ तक, ये हमारा इनर इंटेगमेंट, ये हमारा आउटर इंटेगमेंट, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा आउटर इंटेगमेंट। अब हम ये देख रहे हैं कि बॉडी ऑफ ओव्यूल तो कर्व्ड है ही, साथ साथ हमारा एम्ब्रोसाइट भी ना कुछ इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेबल करते हैं, आप खुद भी लेबल करना साथ में, ये हो गया हमारा माइक्रोफाइल, ये हो गया हमारा फ्यूनिकल, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या चलाजाइन, और हाइलम जो होगा हमारा वो कहीं इधर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम्फीट्रोपस का स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा ओविल का बॉडी भी कर्व्ड है और एम्ब्रोसाइट भी कर्व्ड है। लास्ट हमारा क्या आएगा, कैम्फिलोट्रोपस। कैम्फिलोट्रोपस में क्या होता है, हम कैम्फिलोट्रोपस जो होते हैं ना, यहीं पे समझ लेते हैं इसी स्ट्रक्चर में, ये हमारा क्या है कैम्फिलोट्रोपस। इस केस में क्या होता है, सिर्फ हमारा बॉडी जो होता है ना ओव्यूल का, सिर्फ वो कर्व होता है, एम्ब्रोसाइट जो होता है वो कैसा होता है, एकदम स्ट्रेट, एम्ब्रोसाइट एकदम स्ट्रेट होता है, बिल्कुल भी कर्व नहीं होता। तो एम्फीट्रोपस और कैम्फिलोट्रोपस में मेन डिफरेंस यही है, यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं बॉडी और एम्ब्रियो दोनों कर्व्ड था, यहाँ पे सिर्फ क्या कर्व्ड है, बॉडी कर्व्ड है, लेकिन एम्ब्रियो हमसे कैसा है, एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन करंट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑर्थोट्रोपस, इसमें सारा हमारा माइक्रोफाइल, चलाजा और फ्यूनिकल और हाइलम स्ट्रेट लाइन। तो हमने देखा, मैं यही बोल रही थी कि द ओव्यूल विल बी, देखते हैं ठीक है, ओव्यूल क्या होगा बेटा, ऑर्थोट्रोपस। हाँ, तो क्योंकि हमारा क्या था कि दैट वाज इन द अपराइट ओव्यूल, आई टोल्ड यू ऑर्थोट्रोपस अपराइट ओव्यूल होता है, तो जो अपराइट ओव्यूल होगा वो उसी में आता है, एनाट्रोपस तो इन्वर्टेड है, हमें पता ही है, हमारी बुक में जो ओव्यूल दिए हैं दैट आर इन्वर्टेड, जो एनाट्रोपस ओव्यूल दिया है, तो ऑर्थोट्रोपस क्या है अपराइट, तो उसी में तो स्ट्रेट लाइन में आएंगी सब चीज़ें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, सिक्स्थ क्वेश्चन, नॉर्मल पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लियेट, टेट्रास्पोरिक 6 न्यूक्लियेट, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लियेट, बायोस्पोरिक 8 न्यूक्लियेट। नॉर्मल पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक किस तरह का होता है, इट इज मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लियेट, ठीक है। स्क्रीन नहीं शो हो रही, स्क्रीन नहीं शो हो रही, कैन यू सी दिस, सिक्स्थ क्वेश्चन, नॉर्मल पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लियेट, ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन। आई थिंक ये तो पुराना वाला ही है, कौन सा वाला था, ये वाला था। सो वी वर ऑन 11th क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड होगा तो एम्फीट्रोपस, स्पेशल फीचर ऑफ एंडोथीसियम, ये चारों थे। 13th क्वेश्चन, ये मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप था। 14th क्वेश्चन, व्हेन हिलम, वी वर ऑन 14th क्वेश्चन, तो हिलम और
चैलेजा माइक्रोफाइल जब स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उसको ऑर्थो सेकंड ऑप्शन मोस्ट करें. पोलन ट्यूब डेवलप पोलन ट्यूब इनमें से कौन से सेल्स में से डेवलप होती है. फिफ्टींथ क्वेश्चन इज पॉलन ट्यूब कौन से सेल से बनती है. तो पॉलन ट्यूब जनरेटिव सेल, मेल गैमेट, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, किससे बनती है पॉलन ट्यूब. मेल गैमेट. मेल गैमेट से नहीं बनती. मेल गैमेट उसमें सिर्फ ट्रैवल करता है. बनती वेजिटेटिव सेल से है. किससे बनती है. वेजिटेटिव सेल के वेजिटेटिव न्यूक्लियस से. वेजिटेटिव सेल्स के वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो पॉलन ट्यूब को बनाता है. आप शायद याद नहीं रख रहे हो क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स होते हैं, बिगर वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर जनरेटिव सेल. तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन या जेनरेशन को अगर हम देखेंगे तो इट बिकम्स फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स. पॉलन ट्यूब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट इज फॉर्म्ड एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द पॉलन ग्रेन्स. How pollen tube grows? The process of beginning deposition containing male gametes, pollen tube plasma membrane tip. During germination, a defined area in the pollen plasma membrane, the tip of growth domain, which post Golgi vesicle are targeted and fused. Promoting directional growth, established pollen tube elongation begins often reaching astounding rates of growth. Example of maize pollen tube can grow as fast as 1 cm per hour, extend up to 1 feet in length. During elongation, pollen cytoplasm, vegetative nucleus, can you see? Vegetative nucleus and sperm cells are transported. So vegetative nucleus is going outside in the front and then sperm nucleus is coming behind. तो विच ग्रोस थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द पिस्टन. तो एक्चुअली में वेजिटेटिव न्यूक्लियस है जो ग्रो करवा. अब हम एक इमेज भी देख लेते हैं उससे और क्लियर हो जाएगा. गूगल इमेज या हम यूट्यूब देख लेते हैं या गूगल इमेज कुछ भी देख सकते हैं हम पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन का. हमने हालांकि ये प्रैक्टिकल में भी देखा था पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन. Along with the